नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के खेल स्टेडियम में प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही थी। इसी बीच खेल प्रतियोगियों ने भोजन को लेकर भेदभाव की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो भोजन के पैकेट छात्रों को दिए गए थे, उन पैकेट में 5 पूड़ियां और सब्जी रखी गई थी। जबकि ब्लॉक समन्वयक श्रीमती शर्मा का दावा है कि दिए गए पैकेटों में 8 पूड़ियां और सब्जी रखी गई थी। मामले को बढ़ता हुआ देख करके जिला खेल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पैकेटों की तलाशी ली, जिसपे ये बात सही साबित हुई कि सिर्फ 5 पूड़ियां और सब्जी उपलब्ध कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खेल अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों की जाँच कराने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले को लेकर के विद्यार्थी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। पूरा निकालो, इससे पेट भर जाएगा तुम्हारा। एक मिनट जाना, एक मिनट बता देना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 4 है ना, तो पेट भर जाएगा भैया आपका, पेट भर जाएगा आप लोगों का। कैसा है खाना, कैसा कैसा लग रहा है खाने में? खाया नहीं खाना, खा के देखो भाई, खा के देखो भैया। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित पटेल। पटेल जी, आप यहाँ आए थे खेल विभाग स्टेडियम में जी, किस लिए आए थे? सर यहाँ पे ओलंपियड गेम है, तो जिला अभी तो ब्लॉक हो रहा है, इसके बाद जिला भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग आए थे रनिंग के लिए आए। अच्छा, तो यहाँ खाने की व्यवस्था भी की गई थी? खाना दिया था, लेकिन उसमें 4 पौड़ी थी, उसमें पेट नहीं भरा है। पेट नहीं भराया जी जी। खाने की क्वालिटी टेस्ट नहीं था उसमें। आएंगे भी आई थी अंदर, कुछ 5-6 थालियाँ भी आई हैं। वो किसके लिए आई हुई? नहीं, भी दिखा मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 हाँ। जी वो क्या है, हमारे गेस्ट आए हुए हैं बाहर। अच्छा, से मैडम, और ये बच्चे आए हुए, इनके लिए बच्चों के लिए मैंने 2-2 पैकेट सबको बांटे। नहीं मैडम, आप क्या बांट रही हो? 4-4 पूड़ी लेकर ले, इसके अंदर 4 नहीं है सर। देखो आप, देखो आप। तो मैडम ये खाना है बच्चों के लिए, आप जो दे रही हो, आप भी खुद देख रही हो भाई। अब आपके गेस्ट आए, आप उनको खिला पा रहे बच्चों के लिए? नहीं, वो पहली बार विदिशा आए हैं गेस्ट, इनके लिए हम सब लोग तो यही खा रहे हैं। पूरा हमारा पूरा डिपार्टमेंट अभी आप देख रहे हो, हम सब यही खाएंगे, सब लोगों के लिए यही मंगवाया, और वो हमने अपने पर्सनल उससे मंगवाया। मैडम कितने लोगों के ये पैकेट बनाया? ये 250 पैकेट। 250 पैकेट मैडम, इनकी क्या कॉस्ट है जो आपने बनवाई? 25 रुपए। 25 रुपए। क्या क्या है मैडम? आलू की सब्जी पूरी है, आलू छोले की सब्जी पूरी। मैडम कितनी पूड़ी है इसके अंदर? 8 पूड़ी। मैडम एक पैकेट हमें खोल कर बताओ। नहीं, उससे भी जो तय हुआ था वो 8 पूड़ी का हुआ था, इसमें शायद उसने 6 पूड़ी रखी हुई है। अब जनरली में बनाए हैं, बाकी के 150 अपने जो कम पड़ गए ना, 100 पैकेट जो अभी बाद में भेजे, इसी में थोड़ा कम लगा है, बाकी सबको अपन ने फिर 2-2 बांटेंगे पैकेट। जो बच्चों को खाना कम पड़ गया, अभी देखिए मैम कहना 3री बार में खाना कम पड़ा है, ये मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारी जो युवा समन्वयक सपना शर्मा है, इनके द्वारा थोड़ा सही व्यवस्था नहीं की गई है, इसको लेकर हम जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे। मैडम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? पूजा कुरिल, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी। मैडम ये कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये अपना ब्लॉक लेवल का प्रांतीय खेल चल रहा है, इसमें आज विदिशा ब्लॉक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैडम अभी देखने में आया खाने के लिए बच्चों का खाना सही नहीं है और पूड़ी वगैरह भी कम है, इस बारे में क्या कहना? आपने भी खुद खुलकर देखा है अभी? हाँ, मुझे आप लोग के द्वारा ही पता चला है, क्योंकि हम भी हमारे 22 और 23 को जिला स्तरीय तैयारी जो अपने प्रांतीय खेल की होनी है उसकी तैयारियों में लगे हुए, तो हम अभी जस्ट अंदर आकर ही हम लोग अपनी तैयारियों में लगे थे। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि इसमें खाने में पूड़ियाँ कम है, प्रॉपरली खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसको हमने देखा, तो आगे हम देखते हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, हम खुद भी समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था
बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो मुझे सही नहीं लगी है इसके लेकर हम जरूर कार्रवाई करेंगे कुछ ना कुछ। मैडम खाना कम होने के साथ साथ वो क्वालिटी भी उसकी जो होना थी वो भी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता जो होना चाहिए। हाँ, और खाने की व्यवस्था प्रॉपर होनी थी, ये मान रहे हैं हम सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी अभी देखने में आया है कि ये सही नहीं है व्यवस्था। मैम एक चीज़ और है कि अभी आपने पूड़ी गिनी थी तो कितनी निकली उसके अंदर पूड़ी? इसमें 5 पूड़ी निकली एक पैकेट में। मैम एक चीज़ और है, अभी आपकी जो खेल की तैयारी चल रही है स्टेडियम में, स्टेडियम पूरा तैयार नहीं है और टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे, ये अपनी तैयारी पहले हो जाती, ग्राउंड पहले ही काफ़ी तैयार था और इतने दिनों का वक्त था हमारे पास, कर सकते थे, परंतु यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका टेंट लगने के कारण ये जो हमारा ग्राउंड है बहुत कुछ ख़राब हो गया है, और जिसकी व्यवस्था करने में हमें टाइम लग रहा है, और अन्य विभाग जैसे PWD और CMO नगर पालिका से बात हुई है मेरी, वो उन्होंने थोड़ा सफाई करवाई है और सामान हटवाया, उसके अलावा और भी जो पड़ा हुआ है उनसे मेरी आज ही और बात हुई है, तो उनका कहना है कि अभी करवा लेंगे, बाकी हम खुद भी उन व्यवस्थाओं में लगे हैं। कल तक जो है हमारा जिला स्तर के लिए जो प्रतियोगिता होनी है, कल तक हमारा शाम तक जिला स्तर के लिए ग्राउंड तैयार हो जाएगा। मैम एक चीज़ हो रहा है, एक द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।